चलो क्या हुआ बोलो इसमें, नहीं समझा। तो देखो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, हेलो 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 ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे देखो बोल दिया एक्स टू, पहले हम लोग क्या ले रहे थे, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन गिवन एक्स टू इज -1, खाली ये कर रहे थे। अब बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन गिवन एक्स टू इज -1 एंड 0 बोथ। तो इस टेबल में अगर आओ, एक्स टू अगर -1 एंड 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन बींग -5 इज 20+10। हाँ नहीं, क्या बोला है, एक्स टू या तो ऑब्वियसली दो वैल्यू तो नहीं लेगा ना, एक्स टू या तो -1 होगा या तो 0 होगा। अब एक्स टू अगर -1 है तो एक्स वन -5 का प्रोबेबिलिटी इज 20, प्लस अगर ये 0 है तो तुम लोग समेशन कर रहे हो ना, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हो। यहां हमने क्या लिखा फॉर्मूला में, कंडीशनल में ये जो हमने लिखा, दिस इज फॉर बेसिकली इंडिविजुअली यू आर एडिंग, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस केस में हम लोग को कैसे करना होगा, गिवन कि तुम लोगों का प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू, वेयर योर एक्स टू इज इक्वल टू -1 एंड 0, तो ये क्या है, ये वाला प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्स टू -1 और 1 0 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो तो एक बार ऐड करना और कुछ नहीं, 30+40, ठीक है, 30+40। तो ये इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये जो पार्ट है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्स टू बींग इक्वल टू -1 एंड 0, तो विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू इक्वल्स -1 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स टू इक्वल 0, है ना। तो ये वाला अब ऊपर में क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारा ये -1 है तो प्रोबेबिलिटी की वो -5% होगा, क्या था, 20%, और दूसरा अगर 0 है तो कितना, तो ये हो जाएगा 30/70%, क्या आ रहा है, -42.8%। ये वाला क्या होगा, गिवन तुम्हारा 70% ही है, ये वाला भी गिवन 70% ही है, ऊपर में प्रोबेबिलिटी गिवन कि आपका एक्स टू इज -1 और 0, गिवन कि एक्स वन माइनस वन एक्स टू माइनस वन और 0 है, एक्स वन 0 होगा इज 20 एंड 1/5, तो ऐसे मत बोलो, इंडिविजुअली 10+15, ठीक है, और ये वाला नीचे वाला इंडिविजुअली 0+15, सो दिस इज व्हाट, 35.7% एंड दिस इज व्हाट, 21.4, गॉट इट, कैसे निकालते हैं। एक्चुअली यहां एंड का मतलब नहीं है, और ही है एक तरीके से, यहां और ही है, तुम्हारा एक्स टू तो दोनों नहीं हो सकता ना, एक्स टू -1 होगा और 0 होगा, और ही है इधर भी, नहीं ये और ही है, ठीक है। अब एक चीज और हमने पढ़ा है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा है बताओ, अगर हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, इसका क्या मतलब होता है, दैट दिस इज पक, दैट दिस इज इंडिपेंडेंट,
तो क्या सेम, अब देखो दो तरीके से इंडिपेंडेंट हमने प्रूव किया, या तो अगर आप बोलते हो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी विच इज एक्चुअली यूज टू डिराइव दिस, अगर ये चीज है तो भी इंडिपेंडेंट है, अगर ये चीज है तो भी इंडिपेंडेंट है, दोनों तरीके से. तो ये हमने प्रूव कर दिया कि x1 x2 आर नॉट इंडिपेंडेंट इन आर केस. ये वाला प्रूव करते हैं, चलो दैट a गिवन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी a. नाउ यू गाइज हैव, हमने ये वाला चीज ढूंढ लिया, देखो हमने ये वाला चीज ढूंढ लिया है, कहां गया था पिछले वाले में, हमने ये वाला चीज ढूंढ लिया जहां पे कहां किया हमने वो कंडीशनल वाला, जहां मैंने ये वाला किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहां किया हमने, हाँ यही तो जहां हमने ये वाला किया है इसका आंसर जब बता दोगे तो सही रहेगा. ये और है, ये क्या है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी x1 गिवन x2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x1 गिवन x2 इज 1, ये निकाला है हमने. दिस शुड बी इक्वल टू इफ इट इज इंडिपेंडेंट, इफ इट इज इंडिपेंडेंट दिस शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x1, यस और नो? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 क्या है, मार्जिनल, मार्जिनल क्या था x1 का, माइनस 5% का, जीरो का और 5 का, क्विकली बोलो बोलो, हाँ 30 ठीक है. ये था, कैन यू से दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये पूरा which is your conditional probabilities conditioned on x2 equals 1 is not the same as unconditional probability x1. So if it is not the same, what we can say? They are not independent, right? Clear? ठीक है, अब एक बार हम लोग एक्सपेक्टेशन का भी देख लेते हैं. चलो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे कंटिन्यूअस केस में, मतलब मल्टीवेरिएट केस में. डायरेक्टली आई विल टेक अ सम एंड डू, सो लेट्स राइट एक्स वन कैन टेक टू वैल्यूज वन एंड टू. And x2 can take two values, 3 and 4. Iska probability is 15, 10, 16, 60. Total add up kya ho rahe pa check karo to. 100 हो गया हार्ड अप, ठीक है. ठीक है, अब लेट्स सपोज एक मैं फंक्शन इंट्रोड्यूस करती हूं, फंक्शन ऑफ फंक्शन gx1 कॉमा x2, मतलब g इज वॉट, g इज अ फंक्शन, f लिख सकते हो, h लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इट्स अ फंक्शन जहां पे आप x1 raise to the power x2 कर रहे हो. आपको करना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस.
बेसिकली जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन. तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन निकालने, जैसे हम लोग, मैं लिख नहीं रही हूं, ध्यान से सुनो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालते थे, समिंग ओवर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स, है ना. यहां क्या होगा, समिंग ओवर भूल जाओ, यहां होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग इंटू इट्स, क्या हो गया ये, इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी. यहां पे क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल है, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो समिंग ओवर एक्स टू, समिंग ओवर एक्स वन. करेक्ट करेक्ट. अब इस केस में करूं, कैसे करेंगे इस केस में देखो कैसे करेंगे. जी एक्स वन एक्स टू, ये जो है ये क्या है, फंक्शन. तो फंक्शन ऑफ एक्स वन रेज टू द पावर एक्स टू, तो कितने सेट ऑफ वैल्यूज आ रहे हैं आपके, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, फोर सेट ऑफ वैल्यूज आ रहे हैं एक्स वन एक्स टू का कॉम्बिनेशन. तो और उसका सबका क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज गिवन है. तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 raised to the power 3, उसका प्रोबेबिलिटी 15% प्लस 1 raised to the power 4 इंटू 60% प्लस 2 raised to the power 3 इंटू 10% प्लस 2, क्या आएगा आंसर बताना. एवरेज है ना, एवरेज फिगर. तो तुम गलत किया है. खा अभी मत कर, फिर 3.95 आएगा. ठीक है, जाओ जाओ.
15. दो ही है ना? नहीं है गैस कि तीन है? ठीक है, डन. अब एक्सपेक्टेशन तो हो गया. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते थे वेरिएंस, राइट? वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता था? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. बट सिंस यहाँ पे आप दो वेरिएबल्स दे रहे हो, तो हम दो वेरिएबल का वेरिएंस नहीं लेते हैं, हम को वेरिएंस निकालते हैं. को वेरिएंस लिखो एक लाइन. को वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन. को वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन दैट कैप्चर्स हाउ द वेरिएबल्स मूव टुगेदर. दैट कैप्चर्स हाउ द वेरिएबल्स मूव टुगेदर. लिख लो इसका फॉर्मूला. ए एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने एक चीज गलत लिख दिया. एक सेकेंड, हाँ वेरी सॉरी, ये नहीं होगा. मतलब तुम लोग यहाँ पे एक और ऐसे ब्रैकेट बना सकते हो बनाना है तो, या फिर लेट मी मेक इट कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, ये हो गया. इसको अगर तुम, अगर हम लोग थोड़ा रिफ्लेक्ट करें ऑन वेरिएंस ऑफ एक्स, क्या होता था? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये था कि नहीं था? एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर के बदले हमने क्या कर दिया? एक्स वन माइनस म्यू वन. इसको अगर हम लोग म्यू वन लिखे, क्योंकि एक्स बार इज म्यू ना, एंड इसको एक्स टू माइनस, अब एक मिनट रुक जाओ, इसको अंदर की तरफ में खोल दो अगर, तो कितने टर्मिनोलॉजीज निकलेंगे? चार टर्म्स निकलेंगे. जैसे एक क्या टर्म हो जाएगा, एक्स वन इंटू, एक हो जाएगा तुम लोग का एक्स वन एंड एक्स टू. ठीक है, एक हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ, बोलो एक सेकेंड, एक हो जाएगा एक्स वन एक्स टू, एक हो जाएगा एक्स वन इंटू दिस. ठीक है, तो मैं लिख नहीं रही हूं बट समझना. एक्सपेक्टेशन ऑफ ये वाला बाहर वाला, एक्स वन इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू, ये तो ये कांस्टेंट होता है, बाहर आ गया, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन बचा. लेट्स सपोज यू म्यू टू है, ये तो म्यू टू बाहर, यस यस यस. सिमिलरली ध्यान से, एक्सपेक्टेशन ऑफ ये वाला टर्म, एक्सपेक्टेशन एक्स वन इंटू एक्स टू, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू,
म्यू वन इंटू म्यू टू, यहां पे ये माइनस है, यहां पे ये माइनस माइनस प्लस, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। नहीं मैं कैंसिल आउट हो जाएगा ना दोनों, कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू आर लेफ्ट विथ ओनली दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू, तो बेसिकली तुम्हारा बाहर ये बचेगा, देखो कॉपी कर लो, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये दोनों तो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो उसका एक्सपेक्टेशन तो ये बाहर ही आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू वन एंड म्यू टू इज म्यू वन म्यू टू ओनली, ये हो गया फॉर्मूला कोवेरियंस का, कॉपी कर लो, डेरिवेशन इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, कंफ्यूज मत हो, नो नॉट रिक्वायर्ड, जो चीज नहीं चाहिए उसको क्यों लेके कंफ्यूज होना है, नहीं 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 लिखना है, एक्स्ट्रा चीज मत करो क्योंकि इट्स नॉट जगह, तुम लोगों का एमसीक्यू टेस्ट है, नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए ये सब, मतलब एक्चुअली ये सब में हम डिराइव करते हैं पूरा, इसमें नॉट रिक्वायर्ड, बट हाँ एक चीज मैं तुमको करवा सकती हूँ सिंस यू आर सेइंग दिस विल बी द लास्ट टॉपिक एंड देन नेक्स्ट क्लास वील डू कोरिलेशन, अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू आ जाए, सॉरी एक्स वन कॉमा एक्स वन आ जाए तो कैसे लिखेंगे समझो, इसी फॉर्मूला में डालो, विच इज सो वेरियंस ऑफ एक्स इज सेम एज कोवेरियंस ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स वन, क्योंकि कोवेरियंस है क्या, मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाया कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन दैट कैप्चर्स द रिलेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स, तो ये हम लोग का स्प्रेड कैप्चर करता था वेरियंस, ये हम लोग का स्प्रेड कैप्चर करता था, तो वही चीज यहां पे कि वेरिएबल्स हाउ दे मूव टूगेदर, जैसे अगर हम लोग बोलते थे कि वेरियंस अगर बहुत ज्यादा है तो स्प्रेड बहुत ज्यादा है, सिमिलरली अगर आप बोलते हो कि कोवेरियंस ज्यादा है मतलब ये दोनों बहुत मूव साथ में मूव कर रहे हैं, ज्यादा साथ में मूव कर रहे हैं, करेक्ट, ज्यादा साथ में मूव कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि कोवेरियंस का एक प्रॉब्लम है दैट इज, जैसे वेरियंस का प्रॉब्लम था कि वो स्क्वायर हो जाते हैं, वेरियंस स्क्वायर, तो ये भी तो स्क्वायर होगा ना, देखो ना एक्स वन एक्स टू करोगे तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर सेंटीमीटर 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 स्क्वायर में आंसर आएगा, तो इसीलिए हम लोग कोवेरियंस के बदले कोरिलेशन करते हैं, लिख लो उसका खाली, हम लोग आज फॉर्मूला लिखेंगे, नेक्स्ट क्लास उसके सम्स करेंगे हम लोग, कोरिलेशन करेंगे, सो कोरिलेशन ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, कोरिलेशन को ना ऐसे रो भी करके लिखते हैं, रो, इसको रो बोलते हैं, ठीक है, तो कोरिलेशन ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू डिवाइड दिस बाय सिग्मा वन इंटू सिग्मा टू स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर क्या होता था वेरियंस, तो यहां हम लोग इसको जब ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है कोवेरियंस, तो तुम लोग पीछे जाके यहां पे लिख सकते हो दैट दिस इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ सिग्मा वन टू इज बेसिकली द को वेरियंस बिटवीन वन एंड टू, तो अब यहां क्या कर रहे हैं एक बार देखो, क्या ये यूनिटलेस हो गया, क्या
क्या ये यूनिटलेस हो गया? कैसे? क्योंकि ऊपर भी कोवेरियंस है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिटलेस. तो लिखो लिखो, कोरिलेशन मेजर्स द स्ट्रेंथ, कोरिलेशन मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड इज ऑलवेज बिटवीन माइनस वन एंड वन. अगर वन के टुवर्ड्स है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, माइनस वन के टुवर्ड्स है देयर इज अ वीक. फॉर एग्जाम्पल इफ यू से SBI ICICI बैंक या ICICI बैंक एंड HDFC बैंक का शेयर प्राइस विल हैव अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ ऑफ देम फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री. ठीक है, सिमिलरली HDFC लाइफ एंड ITC विल हैव अ वीक कोरिलेशन. तो कोरिलेशन अगर स्ट्रांग है मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और नेगेटिव साइड में है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो साइन पे भी डिपेंड करता है, अगर पॉजिटिव साइन है सो इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन. पॉजिटिव साइन कब आएगा? ध्यान से सुनना, आपका सिग्मा वन और सिग्मा टू हमेशा पॉजिटिव रहेगा. स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेरियंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. बट आपका कोवेरियंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. हाँ सकते आंसर्स. हाँ, तो अगर प्लस है मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है एंड नेगेटिव है मतलब यू ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ये. और अगर वन या माइनस वन के, तो स्केल बनता है ना माइनस वन से वन का. तो अगर ये मतलब सेम डायरेक्शन, ये मतलब, और अगर टुवर्ड्स दिस है मतलब पॉजिटिव, मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रॉन्ग, ये हो गया मतलब स्ट्रॉन्ग, और ये हो गया मतलब वीक, जीरो के क्लोज. वीकली वीक है, वीक कोरिलेशन. अब फॉर एग्जाम्पल यहां है कोई, यहां है 0.3 और यहां है 0.9, तो दोनों पॉजिटिव रिलेटेड है बट ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है. गॉट इट? इसका नेक्स्ट क्लास हम लोग सम्स करेंगे. हाँ, डाउट है?